हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये साइंस प्रैक्टिस सेट का पांचवा पार्ट है और इस पार्ट में मैंने साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और इसी तरह से 40 क्वेश्चंस हम लोग डेली सॉल्व करते हैं। और आज के पार्ट में मैंने बायोलॉजी से 20 क्वेश्चंस लिए हैं और 20 क्वेश्चंस मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से लिए हैं और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो एग्जाम में पहले कई बार आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस सीरीज़ के अगर आप पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको पिछले सभी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो स्टार्च या मंड, ये पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण कण होता है, जबकि सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति यानी कि सेलवाल में पाया जाता है। तो यहाँ पे कथन क्या दिए गए हैं? पहला कथन है, दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, तो दोनों वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं, तो ये कथन सही है। दोनों बहुलक हैं, ये भी कथन सही है। और डी ऑप्शन है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं, ये भी कथन सही है। और सी ऑप्शन है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है लेकिन सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन एंटीजन वो पदार्थ है जो, तो प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी या प्रतिपिंड बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। और एंटीबॉडी प्रोटीन से बनी होती है, जबकि एंटीजन प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तो इसे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है TSH, या इसको थायरोटोपिन भी कहते हैं, और TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, TSH। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रणहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रणहरित, या इसे क्लोरोफिल कहते हैं, एक प्रोटीन युक्त तो जटिल रासायनिक यौगिक है जो कि पत्तों के हरे रंग का कारण होता है और मैग्नीशियम इसका प्रमुख तत्व तो होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है, केसर मसाला यानी कि सैफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला सैफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिकाग्र से निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, इस रोग को मेनिनजाइटिस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेनिनजाइटिस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा DNA वायरस है जिसके संक्रमण से लीवर में सूजन और जलन पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये DNA वायरस है, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बर्ड फ्लू का कारक है। तो बर्ड फ्लू का कारक होता है H5N1, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, H5N1। और H1N1 ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये स्वाइन फ्लू का कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, DTP का टीका निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए DTP का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, और काली खांसी जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से होता है, और टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न संभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ करके, जो है? तो इनमें से पीलिया ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, और गलसुआ ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, इसको कंडमाला भी कहते हैं, जो पैराटिड ग्रंथि को बड़ा कर देती है जिससे काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये तीनों बीमारियाँ वायरस से होती हैं, और आंत ज्वर ये इसको टाइफाइड कहते हैं, ये सलमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आंत ज्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? तो इनमें से डाउन सिंड्रोम, इसको मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं, ये आनुवंशिक रोग होता है, इसमें सिर गोल हो जाता है, गर्दन मोटी हो जाती है, मुंह खुला रहता है, आंखें तिरछी सी होती हैं, तो इसको डाउन सिंड्रोम या मंगोलिक जड़ता कहते हैं। फिर है हीमोफीलिया, ये भी आनुवंशिक रोग है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। फिर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जो है आनुवंशिक रोग नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ये पेट से संबंधित इसमें बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। और फिर है दात कोशिका रक्तता, ये भी आनुवंशिक रोग होता है, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में गड़बड़ी हो जाती है, इसको सिकल सेल रक्तालुता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थैलेसेमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो थैलेसेमिया ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक समूह है, इसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने में। तो बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थिरंध्रता रोग की पहचान के लिए किया जाता है, ये एक हड्डी का रोग होता है, इसमें अस्थि खनिज घनत्व या बोन मिनरल डेंसिटी, इसे ही शॉर्ट में बीएमडी कहते हैं, ये कम हो जाता है और अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो शरीर में पोटेशियम की कमी से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निम्न रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान है तो प्रयुक्त तो रेडियो धर्मी समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 ये समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमिनेरिया से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है और फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से किसमें तीन प्रकोष्ठ हृदय होता है? तो मेढक, सांप और छिपकलियों में तीन चैम्बर वाला हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जेबी नार्लिकर, इन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होयले के साथ मिलकर के आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन करके ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी नार्लिकर। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेन हाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो सेल्सियस रीडिंग और फॉरेन हाइट रीडिंग में संबंध क्या होता है आपस में? सी अपॉन 5 इज इक्वल टू होता है एफ माइनस 32 अपॉन 9। अगर यहाँ पे हम एफ की जगह सी रख दें, क्योंकि दोनों में अगर हमें बराबर रखना है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -40 आंसर आएगा। तो यानी कि -40 तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेन हाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -40। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? तो जल्दी कपड़े सूखने के लिए आर्द्रता कम से कम होनी चाहिए और तापमान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में आप देखेंगे आर्द्रता अधिक है, सी और डी में आर्द्रता कम है। तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन डी में आर्द्रता कम है और तापमान ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि? तो वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है लेकिन हमें ये दबाव महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिसके कारण इस बाहरी दबाव को ये संतुलित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
तो किसी माध्यम में किसी कण के एक कंपन पूरा किए जाने पर तरंग जो दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और ये दो उत्तरोत्तर तरंग यानी कि सक्सेसिव क्रेस्ट या उत्तरोत्तर गर्त यानी कि सक्सेसिव थ्रोस के बीच की दूरी होती है, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 10 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। तो एक यूनिट किसके बराबर होता है, एक किलोवाट घंटा के बराबर होता है, और किलोवाट घंटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो यहाँ पे वाट कितना दिया गया है, 60 वाट का बल्ब है और 5 घंटे जलता है, 5 घंटे और 10 दिन तक जलेगा, तो यानी कि 10 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है, तभी तो पूरे घंटे आएंगे, 10 दिन में कितने घंटे हुए, और इसको 1000 से हम भाग कर देंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 5 दूनी 10, और 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 बचेगा, तो यानी कि 3 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकल कैडमियम बैटरी एक तरह की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। इसका उपयोग इन तीनों में होता है, कैलकुलेटर में भी, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी, और ट्रांजिस्टर में भी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी में। अगला क्वेश्चन है, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को। और इसके अलावा पाइरेनोमीटर का भी प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो सेल्सियस, फॉरेनहाइट और रूमर, इन तीनों पैमाने में ऋणात्मक मान होता है और केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केल्विन। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो अगर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो संवेग बटे वेग यानी संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा, द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv². तो यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर होता है, और इनका अनुपात दिया गया है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है 4:9। तो एक का अगर 1/2 mv² है, इसको मान लेते हैं वेग, यहाँ पे v1 मान लेते हैं, और दूसरे का मान लेते हैं v2। तो यहाँ पे हाफ और द्रव्यमान तो समान रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे भी m रहेगा और फिर v2 स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 स्क्वायर बराबर कितना है 4। तो v1 कितना होगा, v1 हो जाएगा 2, और v2 स्क्वायर कितना है 9, तो v2 कितना होगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 2:3 आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2:3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि। तो पृष्ठ तनाव के कारण किसी भी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, और गोलाकार होने पर वो कम से कम क्षेत्रफल घेरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में पृष्ठ तनाव होता है और इसीलिए वो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम होती है, और ताप कम होने पर द्रव की श्यानता बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी घटती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो मिश्र धातु में निकल के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय यानी कि नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निकल। और स्टेनलेस स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारी पानी का अणुभार होता है। तो भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20.030 ग्राम पर मोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20। और साधारण जल का अणुभार क्या होता है, 18.016 ग्राम पर मोल। अगला क्वेश्चन है,
समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो समुद्री जल को शुद्ध जल में उत्क्रम प्रसरण या रिजर्व ऑस्मोसिस विधि द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्क्रम प्रसरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मेथनॉल या मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो तांबा जो कि पीतल में 68 से 71% तक होता है, कांस्य में 88% तक होता है और जर्मन सिल्वर में 50% तक होता है। तो तांबा जो है तीनों में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेल और हाइड्रोजन की क्रिया से वसा बनती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निकल। और वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।